देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के सदस्य सांसद चौधरी बाबूलाल ने जिलाधिकारी आगरा गौरव दयाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद चौधरी बाबूलाल के जिला अधिकारी गौरव दयाल पर आरोप लगाने के बाद आगरा के प्रशासनिक अमले और सियासत में हलचल पैदा हो गई। हालांकि अभी मामला 2 दिन से ठंडा पड़ा हुआ था, मगर बुधवार को जिलाधिकारी पर सांसद द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों का जिन बोतल से एक बार फिर बाहर आ गया। इस मामले में मंडल आयुक्त का बयान सामने आया है। कमिश्नर के मोहन राव का कहना है कि सांसद चौधरी बाबूलाल के आरोप अपनी जगह हैं, ये प्रशासनिक और सरकारी मशीनरी है जो प्रशासन के हिसाब से काम करती है। वहीं मंडलायुक्त मोहन राव ने से जब पूछा गया कि क्या जिलाधिकारी आगरा की वजह से भाजपा 2 भागों में बटी है, तो मंडल ने कहा कि मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता। यानी स्थिति साफ थी कि सांसद चौधरी बाबूलाल के बयान पर मंडल आयुक्त गोलमोल जवाब देते नजर आ रहे हैं। देश की सबसे बड़ी सांसद चौधरी बाबूलाल ने आगरा के जिला अधिकारी को भ्रष्टाचारी अधिकारी बताया। उनके ऊपर मत गिरो यार। वो जो भी चीज है वो सब चीज हमारे संज्ञान में ऐसा कभी तक कुछ नहीं आया है। ऐसे जो भी अपना उनका अपना व्यक्तिगत कोई होगा, हमारे संज्ञान में ऐसा कोई चीज नहीं है। आरोप ये भी है कि श्याम लता आनंद को खनन पर आरोप था, उन्हें पोस्टिंग दे दी गई और सांसद बाबूलाल ने यहाँ तक कहा कि वो पर्सनल सर्वेंट हैं रामशंकर कठेरिया के। वो चीज़ देखिए, हम लोग जो भी हो अधिकारी अपना अधिकारी रूप में काम करते हैं। मैं उस चीज़ के बारे में मुझे मेरा संज्ञान में आया ही नहीं है, मैं देख लूँ। ठीक है, जिला अधिकारी की वजह से बीजेपी 2 भागों में बटी है, मुझे क्या मतलब है यार इससे। चलो, थैंक यू।